नीतू की सक्सेस आपसे ज्यादा है भाई, मेरे साथ किसी के नखरे नहीं देखे जाते। नीतू फर्स्ट अर्निंग, तो वी कांट कंपेयर, दोनों की अपनी अपनी जगह है। ओए लखनी, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। तो भाई यहाँ मेरी और दीदी की बहस चल रही है सुबह सुबह खाने के ऊपर। मैं इसको दिखा रहा हूँ कि यार इतना भी, वो जितना आजकल फैक्ट चेकर की वीडियोस देखने लगी है, ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, ये भी गलत है, वो भी गलत है। भाई हम बचपन से मैं खाता आ रहा हूँ, क्या क्या हो गया उसमें, कुछ भी नहीं है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग्स। सुबह सुबह मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और मैं सच बता रही हूँ, इन दोनों की फाइट हो रही है। अच्छा तो सुन, इसका मतलब क्या है कि मैं ये जो खाना खा रहा हूँ इसकी वजह से योगा नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली। मैंने भी जब हम लोग उत्तराखंड में थे दीदी, मैंने लखन को बोला ये योगा करो, ऐसे करो, तो लखन बैठ के भाई मेरा वो पीस है यार। बात पीस की नहीं, बात योगा की है। क्या चल रहा है तुम्हारा, करना एक बार, करना करना दीदी, एक बार कर दे बस। चल जा, तू ऑफिस नहीं जा रही, टाइम पास करने आ गई यहाँ पे। 20 साल गिरा है और इनकी शादी को 26 साल हो गए हैं। आज कैसा लग रहा है आपको शादी का, अपना फेस तो दिखाओ। पुनीत विश करो चाची को। चाची हैप्पी बर्थडे। आज से आपकी शादी का बर्थडे था ना चाची, शादी के बाद सब चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर कल किचन का काफी सारा सामान आया था, अब ये होगा वॉश, सबको ओपन करना है। शिट, ये भी गिरता। ये देखें, ये तो मैं बहुत ही प्यारी सी चीज लेकर आई हूँ। तो ये है केक की ट्रे, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ केक। सो दिस इज माय फर्स्ट केक स्टैंड, और इसमें हम लोग राउंड राउंड नहीं कर सकते यार, राउंड वाला प्ले नहीं है। ओके, तो मैं सारी कांच की बॉटल्स लेकर आई हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि हम लोग अब प्लास्टिक से ड्रिंक करें। काफ़ी सारी कांच की बॉटल्स हैं, ये मैं लेकर आई हूँ उस मार्ट से जहाँ पर मैं कर गई थी, और इसका एक का प्राइस है 200 रुपीज़। तो मैं तो ये बोलूँगी प्लास्टिक की बॉटल्स को भगाओ और कांच की बॉटल्स यूज़ करो सभी लोग। ये मैं अपने पिंक रूम के लिए लेकर आई हूँ, बिकॉज पिंक इज़ माई कलर। और भाई कितनी सारी बॉटल्स दिए, बर्तन तो मैं कल काफी सारे लेकर आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा किचन में जितने बर्तन है उतना कम है। ओके, सो ये सब सामान अभी क्लीन होगा, मैं चलती हूँ। जब तक मैं दूसरे घर में चलती हूँ, वहां पर देखती हूँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। मैं ब्लर दिखती हूँ, फिर मुझे डांट पड़ती है कि कैसा व्लॉग बनाया है। लगन यार, गाइस मैं बिल्कुल रेडी हूँ, रात के 9 बजे मैं ऐसे रेडी हुई। नीतू तो हमें यहाँ पे मिली है काली साड़ी पहन के, रात में सफेद साड़ी तो सुना है, काली साड़ी पहन के, क्योंकि मुझे आपको अपना केक दिखाना है फाइनली, वो केक का टच। और ये बहुत ज्यादा लाइट हो गई है, तो समझ नहीं आता है कैमरे को कैसे हैंडल किया जाता है। ये देखो मेरा क्यूट बच्चा, आओ आओ, बाय ब्राउनू। पोपो बहुत ही बदतमीज है। क्या बदतमीज है, छोटे पोपो को लेके आ जा, जोई को। यार वो टॉयलेट कर देता है मैट में। कोई बात नहीं यार, ओके सो हम लोग आ गए हैं, मैं आई हूँ घर पर, और ये मेरे सुबह से जो केक बना हुआ है ऐसे ही रखा है, क्योंकि मुझे इसके साथ शूट करना है। और ये बहुत टेस्टी बना था, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट शुगर था एंड क्रीम था। तूने केक देखा दीदी? देख केक, देख केक, देखो डैडी कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने देख लिया मैंने स्नैप स्टोरी पे। तो यहाँ पर जैसे हमने केक बनाया था, इसने बहुत बुरी तरह बिगाड़ दिया और ऐसे खाया। रोहित और तुषार, तुम्हें तो पता ही है इसके पीछे की मेहनत क्या, बोलना चाहूंगा बहुत मेहनत थी, लेकिन मिनटों में उधेड़ दी क्योंकि नंद हूँ मैं, नंद। तो गाइस बात ऐसी है कि मैंने परसों डाला था इंस्टाग्राम पे अपना Q&A के लिए, कुछ सवाल पूछने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, आज हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे वाले घर, क्योंकि वहाँ पे शूट चल रहा है, कैमरा अपना लगा के सही से बैठ के तसल्ली से जवाब देंगे फिर आपके सवालों के। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबसे एक बहुत छोटा सा सजेशन चाहिए। आपने उम्मीद है वो वीडियो मेरी देखी होगी, इट्स लॉसम वाली, जो पहला एपिसोड था RCB वाला, उसका सेकंड एपिसोड मैं बनाऊंगा। तो किस टॉपिक पे बनाऊं मेरे को एक बार कमेंट्स में बताना, जो भी आपको लगता है कोई सोशल इशू हो सकता है, लाइक डॉग लवर्स, डॉग हेटर्स होते हैं कुछ, है ना, सोसाइटीज़ में होते हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्या लगता है किसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बननी चाहिए, मुझे कमेंट में बताओ और कुछ आइडियाज़ दो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए नीतू जी शुरू करते हैं आज का Q&A। सबसे पहले भाई मैं क्वेश्चन लूँगा दिव्यांशी समंत्रे का, उन्होंने बोला है हाउ आर यू।
सबसे पहले तो थैंक यू पूछने के लिए, हम कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं और थोड़े से टायर्ड हैं। आई मीन मैं थोड़ी टायर्ड हूँ, फील कर रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये पूछते ना, हाउ आर यू, क्योंकि लोग बेसिक चीज पूछना ही भूल जाते हैं। अच्छा, और आपका ये क्वेश्चन पढ़ के और भी अच्छा हो गया। ओके, और हमारा ब्राउनी भी अच्छा है, है ना, गुची भी अच्छा, जोई भी अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामी ने पूछा है, फ्रॉम वेयर यू गेट सो मच ऑफ पॉजिटिविटी? भगवान जी से। एक्चुअली सुबह की शुरुआत, सबसे पहले अगर मैं अपनी बात बता रही हूँ, देन यू बता बता भाई। मैं जब सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैं अपने हाथों को देखती हूँ और अपने फेस पर लगाती हूँ, उसके बाद भगवान जी का नाम लेती हूँ, और फिर जैसे ही मैं जमीन पर अपने पैर रखती हूँ, उससे पहले मैं धरती माँ को चूमती हूँ। तो शायद ये सब चीजें स्टार्ट करने के बाद, पूजा करने के बाद, पूजा पे ज्यादा से ज्यादा बिलीव करने के बाद, क्योंकि मैं पहले पूजा करती थी, सिर्फ दिया लगाती थी और बाहर आ जाती थी, लेकिन अब मैं टाइम देती हूँ, भगवान के साथ बातें करती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो आई थिंक ये सब चेंजेस उस वजह से आए, इसलिए पॉजिटिव फील करती हूँ और रहती हूँ, कोई भी अपने आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है वो नहीं लेकर आती। तो मेरा तो ये है, आपका क्या है? मेरे बहुत सारे फैक्टर हैं, पहली तो यही है कि तू पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव हूँ। दूसरा बहुत सारी बुक्स वगैरह जो अब तक पढ़ी है ना, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं संभल जाता हूँ। नहीं, लखन ने मुझे भी बोला है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए, मैंने बोला नहीं, तुम काफी हो, तुम एक बुक हो मेरे लिए। अच्छा, इसी से मिलता जुलता सवाल अगला हमारे से पूछा गया है काजोल जाधव ने, नीतू दी जल्दी उठने के लिए कुछ बताओ ना, आप कैसे इतना कम सोती हो? मैं बचपन से काफी कम सोती हूँ, 5-6 घंटे मेरे लिए इनफ है। और दूसरा कि जल्दी उठने का ये है कि पूरे दिन काम करो, थक जाओ और जल्दी सो जाओ और फिर आप जल्दी उठ जाओगे। ये बात मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं भी जल्दी सो गया हूँ, फिर मैं जल्दी उठ जाता हूँ। क्या देखो, कैसे देख रही है यार। What's the next question, लखन? तो मस्त लाइफ करके एक अकाउंट जिन्होंने पूछा है, आप हर सिचुएशन में इतने कूल कैसे रह लेते हो? जस्ट टेल मी द सीक्रेट, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो मुझे लगता है गुस्सा तो सभी को आता है, एक लेवल होता है कि किस लेवल पे जाके आप फटते हो। और मैंने एक बड़ा प्यारा सा कोट पढ़ा था कि जब भी आप कोई ऑरेंज लो, आप ऑरेंज को अगर मसल दोगे ना पूरा, तो उसमें से ऑरेंज जूस निकलेगा, एप्पल जूस नहीं निकलेगा। तो जब भी हम बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन में होते हैं लाइफ में, जब लाइफ हमें दबा रही होती है ना, तो हमारे अंदर जो चीजें होती है ना, वो बाहर निकलती है। लाइक कुछ लोग परेशानी में आके ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, बट अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी और प्यार है ना, तो आप किसी भी सिचुएशन में काम रहोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें बाहर ना देख के अपने अंदर देखना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो ना कूल रहो, तो आपको अपनी सोच वैसी करनी पड़ेगी, आपको ना खुद से कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, खुद को कुछ समझाना पड़ेगा और वैसे ही बनना पड़ेगा। पहले मैं बहुत ज्यादा इंपेशेंट रहती थी और मुझ में बहुत ज्यादा गुस्सा था। आफ्टर मीटिंग हिम आई थिंक मेरी लाइफ इस चीज में बहुत पॉजिटिव हुई है, क्योंकि मैं कितनी गुस्से वाली थी, कितनी रूड थी ना मैं, मतलब मैं एकदम से रिएक्ट कर देती थी। उसको रूड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। हाँ, बिना सोचे समझे बोल देती थी, लेकिन अब मैं कंट्रोल करती हूँ, मैं सोचती हूँ पहले, फ्यूचर तक का मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने ये बोला तो आगे क्या रिजल्ट निकलेगा। ये चीज मैंने लखन से सीखी है। गुड, तो थैंक यू सो मच। मैंने भी किसी से सीखी, तो थैंक यू सो मच जिनसे मैंने सीखी। थैंक यू। ओके, प्रीति राय सिंह ने बोला, हाउ डिड यू ओवरकम एंग्जायटी? तो भाई एंग्जाइटी, लोगों को लगता है कि एक फेज है, एंग्जाइटी इज नॉट अ फेज ऑफ लाइफ, एंग्जाइटी इज लिटरली अ डिजीज। तो एंग्जाइटी मुझे पहला लगता था कि कोई बंदा सैड है उस टाइम एंग्जाइटी में है, बट एंग्जाइटी में ना मतलब बहुत लेवल्स होते हैं यार, और आधे इंडियंस को पता ही नहीं है कि वो एंग्जाइटी का शिकार भी है, हमें बहुत लेटर पता चलता है किसी डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करते हैं तो। बट एंग्जाइटी के बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकेशंस भी होती हैं और नॉर्मल योगा भी होता है। मेरे वाले केस में सच बताऊं, मैंने इतनी सारी चीजें ट्राई करी तो एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक चीज नहीं बता सकता कि ये चीज काम करी, बट यस, लिसनिंग टू म्यूजिक, अपना फेवरेट काम करना, मेडिटेशन, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना, आपको बहुत हेल्प करेगा। और सबसे अच्छा पता है क्या है, अपने आप से समझौते कर लो कि यार ठीक है। देखो, एक जो सबसे अच्छा मैंने कोट पढ़ा ना, वो ये था कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना, कोई भी पर्सन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल नीतू और मेरे में झगड़े हो रहे हैं, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार नीतू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मैं तो अच्छे से रहता हूँ उसके साथ, उसके दो रीजन है, या तो नीतू मेरे साथ मिसबिहेव करके अपना कर्मा क्रिएट कर रही है ना, जो उसको आगे जाके पे करना है, या फिर भाई मैं कोई ऐसा कर्मा करके आ गया हूँ पहले जिसको आज मैं पे कर रहा हूँ। दोनों केस में आप कुछ नहीं कर सकते, याद रखना। हाँ, लेकिन आप ये सोचो
कि अगर अगर मैं नीतू को उसके एक्शन का मैं रिएक्शन भी उसी तरीके से दे दूं ना, एक चीज शॉर्ट शॉर्ट है कि अगर आज मैंने कुछ खराब करी तो भाई ये जो मैं खराब रिएक्शन देता हूँ ना, इसको मेरे को कहीं ना कहीं जाके झेलना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ठीक है आप अपना कर्मा समझ लो कि कुछ किया होगा। जिन चीजों को आपको अनएक्सप्लेन चीज है ना कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है पता ही नहीं, तो समझ जाना, या तो आप कुछ करके आए हो जो भोग रहे हो, या फिर अगला इंसान कुछ ऐसा कर रहा है जो वो भोगेगा। आप रिएक्शन करके कुछ ऐसा मत करो कि आपको फिर से भोगना पड़े। Exactly. तो शांत रहो और दिल साफ रखो। अच्छा ऐश्वर्या ने पूछा है व्हाट वाज, तो मैं क्वेश्चन एक पढूं। नीतूज फर्स्ट अर्निंग, पहले मैं बता देता हूँ इसके लिए पूरा एक व्लॉग है नीतू की, पूरी जर्नी, पूरी स्ट्रगल। भाई आप लोग आज नीतू बिस्ट को देखते हो है ना, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है बहुत से लोगों को नहीं पता। उस व्लॉग का लिंक, भाई एक मिनट अभी मत जाओ, पहले ये पूरा क्यों नहीं देख लो, क्योंकि आप व्लॉग एंड होने के बाद देखना, वहां भी हम डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ओके तो वो पूरी जर्नी आप नीतू की देखना आज। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके श्रेया पाटिल ने पूछा है हाउ टू कन्विंस फॉर लव मैरिज। बड़ा ट्रिकी है यार बहुत। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक फैमिली को सबसे पहले मिलवाना चाहिए और फैमिली से पहले मिलना चाहिए, उसके बाद लड़के को बोलना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ कन्विंस करने का क्या है ना, आफ्टर ऑल आपके घर वाले आपके माँ बाप जो भी है ना, सबसे पहले तो उनको सच बता दो। आधी लड़ाइयां तो आधे सियापे तो मैंने देखा, पता क्यों होते हैं? नहीं अगर तुम ये बोल रहे हो अगर वो नहीं माने उन्होंने नहीं, नहीं, मैं, बता, then... मैं बता रहा हूँ कन्विंस करने में पता सबसे ज्यादा क्या होता है। मैंने जितनी चीज देखी ना सियापे सबसे ज्यादा तब होता है जब आपके घर वालों को किसी बाहर के इंसान से पता चलता है। Exactly. तो फिर उनको लगता है कि इसने हमें क्यों नहीं बताया, इसने हमें धोखा दिया है। हाँ। तो आप पे भी गुस्सा हुआ और आपके पार्टनर को वैसे खराब समझने लगे जबकि मिले भी नहीं है, जजमेंट ले लिया पहले से। क्योंकि जब कोई बताता है ना जो तो चार मिर्च मसाले लगा के बताता है जी देखा आपने आपकी लड़की किससे बात कर रही है आजकल। हाँ मैंने भी देखा था लड़का तो आपका कल वहाँ घूम रहा था, लड़का अच्छा भी नहीं लग रहा था। कुछ खोट होगा पम्मी जी, ये चीजें होने लगता है पम्मी जी पम्मी। तो भाई यही चीज है कि सबसे पहले आप जाके बता दो, फेस करो चीजों को और ट्रांसपेरेंट रखो। यस और फैमिली से मिला दो। तो आर्ची ने क्या पूछा नीतू, आपकी नीतू की फाइट में गिव अप करके पहले सॉरी बोल कर मनाता कौन है? कोई नहीं अपने आप सॉल्व हो जाता है। आप देखो अब इसका झूठ सुनना आप। लखन को हमेशा लगता है ही तुझे भी ऐसा लगता है कि यू आर राइट। अच्छा हमारी लड़ाई होती है डेली होती है और बहुत हेल्दी लड़ाई होती है। तुषार और पुनीत ये बोलते हैं अगर हमने ये रिकॉर्ड करके डाल दिया ना तो लोग पागल हो जाएंगे हंसते हंसते, क्योंकि हम ऐसे लड़ते हैं जैसे टॉम एंड जेरी की तरह। मैं लखन को मार रही हूँ लखन मुझे, मतलब हम दोनों एक दूसरे को ना हम दोनों सोनी दीदी और पूनम दीदी ये बोलते हैं कि 12-12 साल के बच्चों की शादी करा दी। बट हमारी लड़ाई होती है तो क्या होता है ना हम एक दूसरे से मुंह बनाते हैं, कभी लखन बना लेते हैं कभी मैं बना लेते हैं। आज भी लड़ाई तो किसने बनाया था लेकिन मैं आई थी तू आ गई थी बात कर ली तो मैंने ठीक है तूने बात कर ली तो तुमने कुछ खाया नहीं था तो मुझे मेरे को बड़ी टेंशन होती है, मेरे को ऐसा लगता है खाना बनाया और कोई खा नहीं रहा तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मन करता है उसको मारो। खाना खिला दिया तूने मेरे को, तुमने केएफसी से लंच किया था, तुमने केएफसी से लंच मंगाया था पहले बुरा लगा। लोग चिकन ना समझने केएफसी से बता रहे क्या मंगाता हूं मैं, वेज बाउल मंगाता हूं भाई मैं केएफसी से। मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि बाहर से कोई खाना मंगा रहा है जबकि घर में इतना अच्छा खाना बना है, तो इसलिए मैं बात कर ली, मैंने कहा खा लो खाना घर का खा लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेया कंजारिया ने पूछा है लखन भैया आपकी फेवरेट पिक्चर मूवी कौन सी है? अच्छा भाई मेरी फेवरेट मूवी ना आप लोग बड़ा फनी समझोगे बट मेरी फेवरेट मूवी है कभी खुशी कभी गम, फैमिली ड्रामा फुल, बट वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई, मुझे सेटिस्फेक्शन सा मिलता है वो देख के। और दूसरी थ्री इडियट्स ऑल टाइम फेवरेट, मतलब थ्री इडियट्स तो मैं कभी भी लो फील करता हूँ ना मेरे को मोटिवेशन चाहिए होती है मैं वो मूवी जरूर चलाता हूँ, और वो चलाने के बाद अलग से एक मोटिवेशन मैं बड़ा फ्रेश सा फील करता हूँ है ना, उसका वो गाना डंग 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 ये मैं बहुत सुनता हूँ भाई। Okay. पीछे डांस कर रहा है अब लोग सोच रहे हैं कि हंस क्यों, क्योंकि पुनीत अगर मेरे सामने होते तो मुझे कार्टून है यार ये बन जाता है। हां ओके तो भाई थरीम जमाल ने पूछा है भैया वैष्णवी दी कहां पर रहती है? वैष्णवी थोड़ी दूर रहती है मतलब 10 मिनट्स हार्डली है क्या ना गाइस, अभी तक रोहित हमारे पास ही रहता था मतलब उसी घर में रहता था, बट ऑब्वियसली उसकी शादी हो गई है सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो रोहित ने पास में एक फ्लैट लिया हुआ है वहां पे जाता है वहीं पे रहता है, शायद 10 मिनट दूर है यहां से, वैष्णवी वहीं पे रहती है, बाकी अगर कुछ इवेंट होता है पूजा होती है तो आप देखते हो वैष्णवी हमेशा आती है यहाँ पे, तो लाइक शी इज द पार्ट ऑफ द टीम, बट यार अपनी सबकी एक प्राइवेसी होती है और उसके एग्जाम्स भी चल रहे हैं उसको पढ़ाई भी करनी होती है, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर आके डिस्टर्ब हो, वैसे वो आती रहती है। वाओ यार स्वीट लाइफ ऑफ मॉम विद गर्ल्स इनका इस नाम से अकाउंट है, इन्होंने कितना प्यारा कमेंट करा है, जस्ट वांटेड टू से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नीतू, थैंक यू।
भूमि राजपूत ने बोला है, लखन एंड नीतू व्हाट्स योर परफ्यूम? मेरे तो बहुत सारे भाई, मैं तो शौकीन हूँ बहुत ज्यादा परफ्यूम का, मुझे चाहिए कि ना मैं महकता रहूं अच्छा। डोंट यूज परफ्यूम बिकॉज़ मुझे इत्र लगाती है, आपने व्लॉग में देखा था दो तीन पहले। इत्र नहीं है यार वो, वो इत्र ही था। आई डोंट नो क्या है वो, लेकिन मुझे मिस्ट लगाना पसंद है जो हेयर एंड बॉडी का होता है। हेयर एंड बॉडी कोई ब्रांड नहीं है, मैं बालों की और बॉडी की बात करूं जो दोनों में यूज होता है। बाकी मुझे परफ्यूम्स नहीं पसंद, बहुत बहुत ज्यादा स्मेल होती है तो मेरे को ना उल्टी जैसा होने। स्मेल नहीं होती, फ्रेग्रेंस होती है यार, उसको स्मेल तो मत बोल दो, तो स्मेल को फ्रेग्रेंस को दोनों को एक ही चीज में देखा जाता है। अच्छा ठीक है, मैं हार गया, सॉरी। आपने पूछा ना सॉरी कौन बोलता है, सॉरी ठीक है। सुमी भट्ट ने बोला यहाँ पे, व्हाई डोंट यू ओपन पॉडकास्ट चैनल, लुकिंग फॉरवर्ड योर आंसर। Want to do this, लेकिन मैंने लखन को बहुत बारी बोला, लखन let's start this podcast, मेरा बड़ा मन करता है। मेरे reason है कुछ यार, पता podcast में क्या होता है, अभी आप देख रहे हैं, कोई reason मैं बता देता हूँ तेरे को, भी अभी तक नहीं पता, सुन ले भाई। क्या होगा, मैं पॉडकास्ट का एक दो एपिसोड कर लूंगा अपने कुछ मेरे बड़े अच्छे जिगरी जिगरी दोस्त है उनके साथ, बट फिर क्या होता है ना भाई, तीसरा एपिसोड भी तो चाहिए, चौथा भी तो चाहिए, फिर ना लोगों को कन्विंस करना होता है यार कि यार देखो हम ये कर रहे हैं, आप आना ये करो। और सच्ची बताओ मतलब मुझे ऐसा नहीं, अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे से ना किसी के नखरे नहीं देखे जाते, सच्ची बात बता रहा हूँ, किसी के भी मतलब मैं नखरे नहीं देख सकता है, कोई मेरे को फ्री फंड के नखरे दिखा ना, लगन मेरे नखरे नहीं देख सकते तो भाई मैं सच्ची बात, मैं नखरे किसी के नहीं देख सकता, मतलब सीधी बात है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है करो, नहीं समझ आ रहा मत करो, बट ऐसा नहीं कि मैं आपके पीछे 7 दिन भागू 8 दिन भागू। तो ये सोच के ना मैंने लॉन्ग टर्म का सोच के मैंने कहा यार, क्योंकि मुझे पता है हमारे हमारे फील्ड में ऐसा होगा यार, क्योंकि सबसे कोई ऐसा नहीं कि सारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है मेरे भाई, कुछ लोग को अप्रोच करना पड़ेगा, वो नखरे दिखाएंगे, मेरे से वो काम होगा नहीं, तो फिर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बंद कर दूंगा, सच्चा शुरू ही ना करूं मैं भाई, सारे काम पता क्या करूं, आपने मेरा देखा अभी इट्स लॉसम आया, उसमें भाई कोई जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही दोनों रोल प्ले कर देता हूं, तो मेरे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, मैं जो दिखाना चाहता हूं मैं दिखा पा रहा हूं आपको। हमारी जितनी भी चीजें ना आप देखोगे सब इन हाउस है, हम डिपेंडेबल नहीं होना चाहते बाहर में किसी पे भी ना, चाहे हमारी एडिटिंग टीम हो, कैमरा वर्क हो, सब कुछ इन हाउस है हमारा, चाहे एक्टर्स हो, सब कुछ। शिवी पचौरी ने भी पूछा था, भैया आप ठीक हो ना? यस शिवी मैं ठीक हूँ एकदम। भाई अर्शिया सेठिया ने बोला, लखन भैया व्हाई यू कट योर बियर्ड, वांट योर हैवी बियर्ड लुक एज बिफोर यार। नो फॉर अ चेंज मैंने ये करा और मेरे को बड़ा अच्छा फील हो रहा है, पता है हैवी आपको देखने में अच्छा लगता है मुझे पता है, बट भाई मेंटेन करना, सामने से देखोगे तो बहुत ही गंदा लगता है, और अच्छा लगता है सामने से देखता हूं मैं, और उसमें से कुछ व्हाइट व्हाइट निकलता है, वो पूरे बॉडी में लग जाता है। भाई मैं बता दूं क्या निकलता है, जब भी आप बियर्ड बहुत ज्यादा आपकी ग्रो हो जाएगी ना, आप निकलोगे ना जब धूल वूल होती है तो उसमें फंस जाती है, फिर आप बैठ रहते हो, जैसे मेरी आदत है मैं ऐसे करता हूँ ऐसे करता हूँ, तो ना वो झड़ जाती है पूरी यहाँ पे, देखो अभी भी झड़ी हुई नहीं यार, देखो ब्लैक पहना नहीं है कुछ भी, लेकिन लाइट भी है डब मेरी। भाई आराध्या ने बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा सवाल पूछ लिया, क्या है, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट ध्रुव राठी एंड नरेंद्र मोदी कॉन्ट्रोवर्सी? तो कॉन्ट्रोवर्सी तो तब होती है जब दो लोग लड़ रहे होते हैं, बट मेरा क्या है ना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, नो जवाब, बट ये है कि मैं इन चीजों से थोड़ा अवॉइड करना चाहता हूँ, पॉलिटिकल सोच लोगे आप, मैं किसी का भी साथ दूंगा ना तो आप कनेक्ट कर लोगे मेरे को कि यार ये इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो भाई आप लोग उसके लिए कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। मानसी मौर्य ने पूछा है, व्हाट आर दी प्रॉब्लम यू फेस बिहाइंड इन द सोशल मीडिया? सोशल मीडिया में मैं एक चीज बोलूंगा, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, थोड़ी बहुत तो सबकी लाइफ में आती है यार, देखो है ना, बट आप देखो कितना कुछ अच्छा भी तो मिल रहा है। अब मैं वही चीज काउंट करता रहूं बैठ के कि यार ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में है, मैं अनोखा नहीं हूं कोई, बट भाई मैं तो भाई बहुत थैंक यू बोलता हूं भगवान को कि इतनी अच्छी लाइफ दी, इतने अच्छे लोग दिए, सब कुछ अच्छा है भाई, मैं अब कोशिश करता हूं अच्छी चीजें देखूं। जाहिदा जान ने बोला है, सजेस्ट अ बुक एज अ बिगिनर, आज नीतू बताएगी, चल भाई कर दे कुछ सजेस्ट। अभी मैं जो पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, ये पढ़ रही है इस टाइम, मैं बताता हूं 101 सीक्रेट्स ऑफ भगवत गीता। यस, बट इसका वो नाम नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा, और सच बता रही हूँ इतनी सारी चीजें, इतनी नॉलेज मुझे मिली है इस बुक में, तो आप भी पढ़ो और बहुत शांति मिलेगी इस बुक को पढ़ने में। मैं कहता हूँ शून्य पढ़ना है एक बार, शून्य। ओके, तो श्रवणी डालवी ने बोला है, डू दी चैलेंज वीडियो। देखो जैसे आज हमने क्यू एन ए वीडियो करा, आप लोगों में कमेंट्स में बताओ क्या चैलेंज वीडियो हम लोग करें, हम वो भी करेंगे फिर, ठीक है। लोग like, बोलते हैं कि इग्नोर करो, दो इग्नोर करो एक दूसरे को 24 घंटे, तो चैलेंज थोड़ी है, और बोलते तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तू अलग रहेगी, लखन अलग रहेगा 2 दिन के लिए। नहीं यार ऐसा सम्मत दो यार, आप चैलेंज दो, जो पसंद आएगा हम बनाएंगे, ठीक है। सबीना अली ने बोला है, चूज बिटवीन गुची एंड टेडी, होम डू यू लव द मोस्ट इन योर बकेट लिस्ट, देयर इज विजिट नेपाल और नॉट? तो नेपाल तो हमारा ऑब्वियसली आना है, क्योंकि भाई हमारा आप सबको पशुपतिनाथ मंदिर और माउंट कैलाश,
वहाँ की तो अभी यात्रा बंद है, मतलब मैंने सुना है कि प्लेन से दर्शन कराने लगे, बट हमें माउंट कैलाश जरूर जाना है एक बार, कैलाश मानसरोवर दर्शन करने की लगानी है। पहला क्वेश्चन था कि गुची और ब्राउनी, सो वी कांट कंपेयर, दोनों की अपनी अपनी जगह है, तो भाई ब्राउनी इसमें कुछ, अब आप बोलो आपको अपना ये हाथ प्यारा है, ये हाथ प्यारा है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह प्यारे हैं। भाई भाई क्या सवाल पूछा है मोना शेखावत ने, नीतू की सक्सेस आपसे ज्यादा है तो आप एक अच्छे हस्बैंड की तरह सच में उनकी सक्सेस से खुश होते हो या मेली को आता है? भाई मैं आंसर देना चाहूंगी इसका, पहले मैं दे दूं क्योंकि मुझसे पूछा फिर तू बताइयो ना अपना वर्जन। पहली बात ना, आपने बोला कि एक अच्छे हस्बैंड, तो भाई ये मेरी वाइफ है, इसकी सक्सेस मेरी सक्सेस है, अब मेरी सक्सेस इसकी सक्सेस है, तो कैसे ही हुआ सकता है भाई बीच में, तो मैं तो हम दोनों को अलग मानता ही नहीं हूँ। इनफैक्ट आपको एक बड़ा फनी इंसिडेंट बताता हूँ, एक बार ना एक म्यूचुअल कोई है जो हमें ना कुछ ब्रांड कोलैब्स लेकर आते थे, तो उनका नाम भी होता, उनका नाम मयंक भैया, ठीक है ना, तो मयंक भैया ने मुझे एक ब्रांड के लिए अप्रोच करा कि भाई ये ब्रांड है, ये करना चाहता है तुम्हारे साथ काम, तो तुम बताओ क्या करोगे। मैंने कहा अच्छा भैया, मैंने कहा भैया एक काम करो, आप ना नीतू का करा दो, मेरा बाद में देख लेंगे। तो उन्होंने बोला भाई तू पागल हो गया है क्या? मैंने क्यों क्या हुआ? कहते अभी पहले नीतू को ही पूछा था मैंने, उसने बोला लखन का करा दो। हाँ? तो कहते तुम एक दूसरे के पाले में बॉल फेंकते रहते। नीतू कहती भैया नहीं, आप इस चीज में लखन को आगे रखो, मैं कहता हूँ इस चीज में नीतू को आगे रखो। तो यार मुझे बड़ा हंसी सी आई उनको, वो तो बहुत ही मजाक बनाया उन्होंने तो हमारा कि भाई तुम लोग ना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा ही मुझे लगता है यार, ये आगे बढ़ रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और ऐसा ही होना चाहिए भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये भी आगे बढ़ रही है, तो इसकी और मेरी सक्सेस अलग अलग नहीं है, हम एक ही है। मेरा वर्जन ये है कि मैंने मूवीज में टीवीज में बहुत देखा था, सुना तो मैंने नहीं था क्योंकि मैं इतनी बचपन में तो सुन नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा था कि अगर लड़की आगे बढ़ती है तो लड़का छुट जाता है, और वो कहता है मेरी वाइफ, मैं नहीं देख सकता कि मेरी वाइफ मुझसे आगे बढ़े या मेरी पार्टनर मुझसे आगे बढ़े। लेकिन हमारे केस में बिल्कुल उल्टा है, जब हम दोनों मिले, हम लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो लखन का हमेशा से यही था कि एक अकाउंट आगे जाए वो है तेरा, तो मेरे अकाउंट को बहुत पुश किया, बहुत पुश किया, और इतनी मेहनत करने के बाद, मतलब मेरी मेहनत उस टाइम काफ़ी कम थी, मैं 2020 की बात बता रही हूँ, मेरी मेहनत 20% होगी लेकिन 80% मेहनत लखन की थी सब पीछे, क्योंकि लखन को गर्मी में बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी लगती है, लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद लखन का तो मन नहीं था वीडियोस बनाने का इतना, लेकिन तब भी कि मेरा अकाउंट आगे जाए, लॉकडाउन का टाइम है ये, बहुत मतलब अच्छा हमारे लिए अच्छा टाइम था, आई नो बहुत सारे लोगों के लिए नहीं था, लेकिन वो टाइम एक ऐसा था जब हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, और लखन ने सिर्फ यही चाहा कि नीतू का अकाउंट आगे जाए, नीतू आगे रहे। तो हमेशा से मैंने ये देखा है जब से हम लोग यू नो साथ में आए 2020 में, कि लखन ने हमेशा से यही चाहा है कि मैं आगे रहूं और लखन पीछे रहे हर एक चीज में। तो आई डोंट थिंक कि ये लाइन ठीक है कि लड़का चिढ़ता है कि अगर उसकी वाइफ आगे चली जाती है उसके पार्टनर, तो मुझे नहीं लगता, मेरे केस में ऐसा नहीं है भाई, मेरे केस में मैं बहुत लकी हूँ, टचवुड, मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरी जो एक फ्रेंड है वो बेचारी बहुत परेशान है अपनी शादी से, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो हमेशा जब भी कॉल करती है लखन कैसा है, लखन कैसा, मैंने कहा यार मुझसे बात कर ले, लखन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहती तू बहुत लकी है कि इतना सपोर्टिव हस्बैंड मिला है। तो मेरे को भी पता है मैं लकी हूँ, लेकिन जब मैं दूसरों से सुनती हूँ ना, क्योंकि वो देखो मेरे साथ लखन है, मुझे पता है कि मैं कितनी लकी हूँ, लेकिन कोई सामने वाला बोलता है ना तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मैंने कहा यार ये लोग भी मेरी नजर से देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि यस आई एम वेरी लकी टू हैव हिम। आपकी लव स्टोरी का सिर्फ तीन ही पार्ट है, फोर्थ पार्ट कब आएगा? फोर्थ पार्ट शूट करने का मौका नहीं मिल रहा, थर्ड पार्ट क्या था, तीसरा आ गया भाई, मैं देखूंगी। भाई हमने बताता हूँ जो हमारे न्यू व्यूअर्स है ना, हमने अपनी लव स्टोरी एज अ डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ना, और ये सजेशन किसी हमारे सब्सक्राइबर ने हमें दिया था, तो उस डॉक्यूमेंट्री के तीन पार्ट आ गए, उसमें सब कुछ दिखाया, मैं नीतू को कहाँ मिल रहा हूँ, कैसे कैसे हो रहा है, उसका फोर्थ पार्ट अभी तक बना ही नहीं, और तीसरा पार्ट आया था आज से शायद दो साल पहले, आप लोग देखना प्लेलिस्ट में डाल दूंगा लव स्टोरी वाला, उसमें आप एक एक पार्ट देखना, तो आपको आपका ऐसा लगेगा हमारे साथ रिलीव कर रहे हो उन मोमेंट्स को, बट हमने बिल्कुल जो हुआ है हमने एग्जैक्टली दिखा दिया भाई, क्योंकि मेरी मेमोरी तो बहुत खराब है, और लखन को याद था यहाँ पर ये हुआ, हाँ। पर वो हुआ। ओके, तो सिया सुचित ने बोला है भाई आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ, अब ठीक है, कम्प्लीटली ठीक नहीं है, पहले से काफी बेटर है, और बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ उसके लिए, जैसे कि मैं पानी बहुत ज्यादा पी रहा हूँ, तो उससे भी फर्क पड़ा है मेरे ख्याल से। तो गीता अहिर जी ने बोला भैया आप और भाभी गुजरात में कच्छ रन उत्सव में कब आओगे यहाँ, तो मुझे पहले बता दो कच्छ रन उत्सव है कब, अगर अभी हुआ पॉसिबल आना तो हम आएंगे, क्योंकि अभी हम मंथ एंड में ट्रिप पर जा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम चाहते हैं हम लोग चाहते हैं हम एक हर सिटी में जाएं, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राउनी,
ब्राउनी बोल रहा आई लव यू मम्मा, आई लव यू बेटा, यू आर माय सन। अदिति कौशिक जी ने बोला है व्हेन आर यू गिविंग हाउस टूर, तो वो आपके ऊपर है। मैं भाई थोड़ा सा जिद्दी हूँ, मैं करूंगा राइट टाइम पे हाउस टूर, किसी घर का आने वाला है। हाँ ज्यादा जिद्दी हूँ, मुझे पता है। 100 के लाइक कर दो जल्दी से, कल ही आपको हाउस टूर मिल जाएगा, देखना शूट कर रखा है भाई मैं, ऐसी बात नहीं है। ओके तो हो सकता है 100 लाइक, 100 के लाइक आप कर भी दो इस ब्लॉग पे, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्लॉग को लाइक कर दो, अच्छा लगा हो तो, और कोई आपके सवाल है तो कमेंट में लिख देना। दूसरी चीज, आप जो चैलेंजेस वीडियो देने वाले हो वो भी कमेंट में लिख देना, हम लोग उनमें से कुछ ट्राई करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। बट नॉट द लीस्ट, अब आप पूछने वाले मेरे हाथों में क्या हुआ, 3 दिन से मैं इतनी तगड़ी कुकिंग कर रही हूँ, कुछ ना कुछ ट्राई करे जा रही हूँ क्योंकि सब मुझे लेके आ रहा है, मैम ये बनाओ मैम वो बनाओ, तो मेरे दोनों उंगलियां कट चुकी हैं जिस वजह से मैंने ये टेप बांध दी है। मैं ख्याल रखूंगा, चलो बाय बाय।